काव्य लक्षण के बाद हम बात करते हैं काव्य हेतु की। काव्य हेतु का मतलब है वह तत्व जो काव्य रचना का कारण हो। संसार में हमारे साथ अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ घटित घटनाओं का हमारे मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम अक्सर अभिव्यक्त करना चाहते हैं। इस प्रभाव की यथावत और साधारण शब्दावली में अभिव्यक्ति को हम बातचीत कहते हैं, वार्ता कहते हैं और कल्पनाश्रित और असाधारण शब्दावली में प्रस्तुत अभिव्यक्ति को काव्य कहते हैं। काव्य रचना का सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होता, केवल उसी व्यक्ति में होता है जो विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा से संपन्न होता है। यही प्रतिभा ही काव्य का हेतु है। लेकिन भारतीय काव्य शास्त्रियों ने इसके अलावा भी अन्य हेतुओं की व्याख्या की है, उनका जिक्र किया है। सबसे पहले हम दंडी को लेते हैं। दंडी काव्य हेतु के रूप में नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग यानी अभ्यास को मानते हैं। रुद्रट और कुंतक शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को काव्य हेतु मानते हैं। इन आचार्यों के बाद सारग्राही मम्मट ने इन सभी काव्य हेतु को निम्नलिखित तीन काव्य हेतुओं में अंतर्भूत कर दिया। उनका श्लोक है, शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद अवेक्षणा काव्यज्ञ शिक्षायाभ्यास इति हेतुस्तद उद्भवे। ये काव्य प्रकाश में मम्मट ने लिखा है। इसका अर्थ है शक्ति अर्थात प्रतिभा, लोक काव्यशास्त्र तथा काव्य आदि के अवेक्षणा निरीक्षण अध्ययन द्वारा प्राप्त निपुणता अर्थात व्युत्पत्ति, और तीसरा है काव्य के मर्मज्ञ व्यक्तियों से प्राप्त शिक्षा के द्वारा अभ्यास। इन तीनों का समन्वित रूप काव्य की रचना का हेतु मम्मट ने माना है। अब शक्ति और प्रतिभा इनकी व्याख्या करते हैं। ये व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं शब्द। शक्ति अथवा प्रतिभा, इसके लक्षण प्रसंग में अनेक आचार्यों ने अपने कथन किए हैं। रुद्रट कहते हैं, जिसके बल पर कवि विभिन्न काव्य विषयों को अनुकूल शब्दों में अनायास ही अभिव्यक्त कर देता है वह शक्ति होती है। कुंतक कहते हैं कि पूर्व जन्म और इस जन्म के संस्कार से प्रौढ़ता को प्राप्त विशिष्ट कवित्व शक्ति प्रतिभा कहती है। जगन्नाथ कहते हैं, काव्य रचना के अनुकूल शब्द तथा अर्थ को प्रस्तुत करने की क्षमता प्रतिभा होती है। इसी तरह से व्युत्पत्ति के बारे में भी कुछ व्याख्या की जा सकती है। व्युत्पत्ति उस निपुणता को कहते हैं जो विभिन्न काव्यों और शास्त्रों के अध्ययन, अध्यापन अथवा लोक व्यवहार के ज्ञान से प्राप्त होती है। व्युत्पत्ति काव्य का हेतु नहीं है बल्कि प्रतिभा का परिष्कारक संशोधक हेतु है। इसके द्वारा सहजा प्रतिभा परिपुष्ट परिष्कृत प्रखर चमत्कृत शक्ति संपन्न मर्म स्पर्शनी और सार ग्रहिणी हो उठती है। पर इसमें प्रतिभा के अभाव की पूर्ति नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति में प्रतिभा नहीं है व्युत्पत्ति उसे कवि नहीं बना सकती। अगर ऐसा होता तो सभी काव्य मर्मज्ञ काव्य शास्त्रज्ञ तथा लोक व्यवहार पटु व्यक्ति काव्य रचना करने लगते और अशिक्षित और ग्रामीण कवियों द्वारा सुंदर ग्रामीण लोकगीतों की रचना संभव नहीं हो पाती। यह तभी संभव है जब उसके अंदर प्राकृतिक प्रतिभा हो। इसके बाद अभ्यास। अभ्यास इन दोनों चीज जो दोनों प्रतिभा और व्युत्पत्ति जिस व्यक्ति में होती है, लगातार अभ्यास करने से उसकी प्रतिभा निखर जाती है। मंगल नामक आचार्य ने इसे काव्य का प्रमुख हेतु भी माना है। पर यह काव्य का न तो अनिवार्य हेतु है, न प्रमुख हेतु है और न ही आवश्यक हेतु, क्योंकि ऐसे भी अनेक कवि संसार में पैदा हो चुके हैं जिनकी पहली रचना ही अमर कृति बन जाती है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि का प्रसिद्ध प्रथम श्लोक ही इस तथ्य का सबल प्रमाण है। अभ्यास द्वारा प्रतिभा में परिष्कार सुधार चमक जरूर आ जाती है।
निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि काव्य के मूल प्रेरक तत्व काव्य हेतु कहते हैं, काव्य का अनिवार्य तत्व एकमात्र हेतु प्रतिभा है, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के परिष्कारक पोषक और संवर्धक हेतु हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी काव्य हेतु बताए गए हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जिन विद्वानों ने काव्य हेतुओं पर चर्चा डाली की है, प्रकाश डाला है, उनमें हम सबसे पहले प्लेटो को ले सकते हैं। प्लेटो के अनुसार कवि विक्षिप्त प्राणी है और उसका काव्य विक्षिप्त क्षणों की वाणी है। प्लेटो का विक्षिप्त शब्द निस्संदेह निंदनीय अर्थ का द्योतक है, फिर भी इससे यह स्पष्ट है कि कवि के ये क्षण असामान्य ही होते हैं, जो कि उसकी काव्य निर्माण क्षमता भारतीय शब्दावली में कहें तो प्रतिभा की ओर संकेत करती है। भारतीय दृष्टि से क्रमशः अभ्यास और व्युत्पत्ति के समकक्ष माने जा सकते हैं। अरस्तु के अनुसार कला की मूल प्रेरणा है अनुकरण की प्रकृति, जो मनुष्य को बाल्यावस्था से ही मिलती है। यह प्रकृति, यह प्रवृत्ति उसे साहित्य रचना की ओर प्रेरित करती है, पर कला या साहित्य जीवन की विभिन्न घटनाओं का अनुकरण मात्र ना होकर इसकी आनंदपूर्ण सर्जना है। इसका प्रमाण यह है कि जीवन में जिन पदार्थों के प्रत्यक्ष दर्शन से हमें क्लेश मिलता है, काव्य में उनकी यथावत प्रकृति भी, यथावत प्रतिकृति या यथावत बिल्कुल सेम हूबहू अनुकरण भी आह्लादकारी यानी हमें खुशी देने वाला बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहीं कोई आतंकवादी घटना है, उसको जब हम सीधा सीधा फेस करते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन जब हम आतंकवादी घटना को साहित्य में देखते हैं, फिल्म में देखते हैं, तो वो हमें आनंद देती है। ऐसे ही आप कल्पना कीजिए कि आप जंगल में अकेले हैं, कोई शेर आपके सामने आ जाता है तो आपका एक डर बनता है, लेकिन जब भयानक रस में आप उसी सीन को देखते हैं तब वो आपके आनंद का विषय बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अनुकरण की प्रकृति है वो तो व्यक्ति को जन्मजात मिलती होती है, लेकिन अगर वो केवल अनुकरण मात्र होता तब वह आह्लादकारी ना बनता, तो वो इससे अलग है। अनुकरण का मूल कारण भी मनुष्य का जन्मजात सौंदर्य प्रेम है। अरस्तु के समान होरेस भी यही कहते हैं कि अनुकरण को काव्य का प्रेरक हेतु स्वीकार किया जा सकता है, और वे मानते हैं कि सौंदर्य प्रेम से मानव में आत्मदर्शन की भावना उत्पन्न होती है। और जर्मन के दार्शनिक कांट और हीगेल सौंदर्य प्रेम, आत्मदर्शन और अनुकरण, इन तीनों की सहज प्रवृत्ति को काव्य हेतु मानते हैं। वे कहते हैं सौंदर्य की अनुभूति के क्षणों में हमारी आत्मा में आनंद का जो स्रोत आविर्भूत होता है उसी का उच्छलन कविता है। प्रसिद्ध दार्शनिक क्रोचे कहते हैं कि काव्य का एकमात्र हेतु अभिव्यक्ति है। उनके अनुसार मानव मन में जगत के अनेक पदार्थों के प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक छायाचित्र घूमते रहते हैं। अनुभूति के कुछ विशेष क्षणों में उनकी अभिव्यक्ति करना उसके स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हो जाता है, और अभिव्यक्ति की यही अनिवार्यता काव्य या कला की जननी है। दूसरे शब्दों में काव्य की हेतु है। जगत के संसर्ग से मन में उत्पन्न होने वाली अरूप झंकृतियाँ और उन्हें रूप देने के लिए मानव जितने प्रयत्न करता है, काव्य या कला उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। फ्रायड कला को या काव्य को अभुक्त काम की प्रेरणा मानते हैं। उनके अनुसार हमारी वासना को यदि प्रत्यक्ष जीवन में तृप्ति नहीं मिलती तो वह हमारे अंतर्मन में जाकर पड़ जाती है, और फिर ऐसी अवस्था में जबकि हमारा चेतन मन जागरूक नहीं होता, वह अपने को परितृप्त करने का प्रयत्न करती है, और वह अवस्था या तो स्वप्न की अचेतन अवस्था होती है या काव्य सृजन की अर्धचेतन अवस्था, तन्मयता की अवस्था। फ्रायड का शिष्य एडलर भी मानव की चिरंतन हीनता की भावना को जीवन की मूल प्रेरणा मानते हैं। उनके अनुसार समस्त साहित्य हमारे जीवनगत अभावों की पूर्ति है, जो हमें जीवन में अप्राप्त है
उसी को हम कल्पना में खोजते हैं। हिंदी साहित्य का उदाहरण लें तो तुलसी का राम यदि गो ब्राह्मण पालक है तो यह कवि के जीवनगत अभाव की पूर्ति है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष जीवन में सौंदर्य के उपभोग से वंचित रहकर ही तो छायावादी कवियों ने अतीन्द्रिय सौंदर्य के चित्र आंके हैं। इन दोनों सिद्धांतों को अंशतः मानते हुए युंग ने भी जीवन इच्छा को ही काव्य की मूल प्रेरणा माना है। उनके अनुसार मानव के संपूर्ण प्रयत्न अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए होते हैं। साहित्य भी इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए निमित्त किया हुआ प्रयास है। जीवन को अक्षुण बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम अपने को अभिव्यक्त करते रहें। साहित्य ऐसी ही एक अभिव्यक्ति है, लेकिन अन्य अभिव्यक्तियों की अपेक्षा हर दृष्टि से विशिष्ट, सूक्ष्म और आंतरिक है। इससे स्पष्ट है कि इस मान्यता में क्रोचेक का उपयुक्त सिद्धांत भी अंतर्भूत है। वस्तुतः इनमें से कोई भी अकेला सिद्धांत काव्य सर्जना का कारण या काव्य सर्जना का हेतु नहीं माना जा सकता। इनका समन्वित रूप ही हमें स्वीकार्य हो सकता है। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि काव्य के पीछे आत्म अभिव्यक्ति की प्रेरणा ही मुख्य होती है। यह प्रेरणा व्यक्ति के अंतरंग अर्थात उसके भीतर होने वाले आत्म अनात्म और संघर्ष से उद्भूत होती है। हमारे आत्म का निर्माण जिन प्रवृत्तियों से होता है उनमें काम वृत्ति का प्राधान्य है। अतः हमारा आत्म अनात्म का संघर्ष मुख्यतः काममय है और ललित साहित्य चूंकि रचनात्मक होता है अतः उसकी प्रेरणा में काम वृत्ति की प्रमुखता असंदिग्ध है। इस तरह से हम देखते हैं कि पाश्चात्य दृष्टि से समग्रतः काव्य का मूल हेतु हमारे आत्म पर पड़े अनात्म के संघर्ष से अर्थात बाह्य जगत के प्रभाव से उद्भूत आत्म अभिव्यक्ति की प्रेरणा है। यदि चाहें तो इस कथन की तुलना में हम रुद्र सम्मत शक्ति की परिभाषा प्रस्तुत कर सकते हैं जिसके होने पर मन की समाधि स्थिति में अर्थात स्वस्थ चित्त में काव्य के संबंध में निरंतर अनेक प्रकार के अर्थों की स्फूर्ति होती रहती है और शीघ्र ही अक्लिष्ट अर्थात विषय अनुसार समुचित पद प्रस्फुटित हो जाते हैं। ये हुआ हमारा काव्य हेतु। इसके बाद हम शुरू करते हैं काव्य प्रयोजन, अगली इकाई, अगला खंड।